दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिसंबर 2015. बेसिकली रोल्स थ्योरम का एप्लीकेशन है और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, डिस्कार्ड करके आंसर मार्क कर देते हैं. तो क्वेश्चन कैसे करना है उसको समझते हैं. एफ फंक्शन है विच इज अ डिफाइंड फ्रॉम रियल लाइन टू रियल लाइन और ट्वाइस कंटिन्यूसली है, ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशियबल फंक्शन है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है. उसके साथ साथ उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ डैश एट जीरो इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है. पहला ऑप्शन कह रहा है कि एफ डबल डैश इज जीरो फंक्शन, जो डबल डेरिवेटिव है वो थ्रू आउट जीरो होगा. सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि एफ डबल डैश जीरो पे जीरो होगा. थर्ड कह रहा है कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो हैज सम रूट इन जीरो टू वन, यानी कि डबल डेरिवेटिव कहीं ना कहीं जीरो जरूर होगा. और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि एफ डबल डैश कभी भी जीरो नहीं होगा. तो बेसिकली हर ऑप्शन में एफ डबल डैश की इंफॉर्मेशन चाहिए. अब अगर आपको यहां फंक्शन बनाना है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो पहले तो वो सीखते हैं. एफ जीरो जीरो है तो फंक्शन को एज अ पॉलिनोमियल बना लेते हैं, एक्स का फैक्टर आएगा. फंक्शन का डेरिवेटिव भी जीरो है तो एक्स स्क्वायर का फैक्टर आ जाएगा, और फंक्शन वन पे भी जीरो है तो एक्स माइनस वन का फैक्टर आ जाएगा. इनटू समथिंग कुछ भी करते रहो काम चल जाएगा. ठीक है, यहाँ जी एक्स कुछ भी आप ऐड करते रहो. ये फंक्शन आ गया, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. क्लियर, अगर डिस्कार्ड करना है तो कैसे बनाना है वो देख रहे हैं. उसके बाद प्रूफ और क्या यूज हो रहा है वो डिस्कस करेंगे, रोल्स थ्योरम कैसे यूज हो रहा है. ये आपको फंक्शन दे दिया उसने. ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स आपके पास आ गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और डबल डेरिवेटिव करेंगे एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा आपके पास सिक्स एक्स माइनस टू. पहला ऑप्शन कह रहा है कि डबल डेरिवेटिव थ्रू आउट जीरो है, तो ए ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ये थ्रू आउट जीरो नहीं है. बी ऑप्शन कह रहा है कि डबल डेरिवेटिव जीरो पे जीरो है, जीरो पे वो जीरो नहीं है, तो बी ऑप्शन फॉल्स हो गया. सी ऑप्शन कह रहा है कि एफ डबल डैश कुछ पॉइंट पे जीरो होगा, वो यहाँ हो रहा है तो पॉसिबल आंसर है, यहाँ से प्रूफ नहीं हुआ एक एग्जांपल से. और डी कह रहा है कि वो कभी भी जीरो नहीं होगा, तो डी डिस्कार्ड हो गया. तो जो लोग डिस्कार्ड करके देखते हैं उनको एग्जांपल कैसे बनाना है, आप रैंडमली एग्जांपल नहीं ट्राई कर सकते. ठीक है, एग्जांपल ये बन गया, तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए. अब डेफिनेटली सी ऑप्शन ट्रू होगा, उसको प्रूफ कर लेते हैं उसका रीजन क्या है. हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको ए बी और डी ऑप्शन चेंज कर दे जो आप डिस्कार्ड नहीं कर पाओ किसी एग्जांपल से. तो यहाँ फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशियबल है, कंटिन्यूअस है. ठीक है, फंक्शन जीरो पे जीरो है, वन पे जीरो है, तो रोल्स थ्योरम से देयर एग्जिस्ट गामा बिलोंग्स टू जीरो टू वन सच दैट एफ डैश एट गामा इज जीरो. अब आपके पास एफ डैश एट जीरो जीरो है और दूसरा एफ डैश एट गामा भी जीरो है, तो एफ डैश पे रोल्स थ्योरम लगा लो. देयर एग्जिस्ट डेल्टा बिलोंगिंग टू जीरो टू डेल्टा जीरो टू गामा, जो क्या है सबसेट ऑफ जीरो टू वन. ठीक है, सच दैट एफ डबल डैश एट डेल्टा इज जीरो. रोल्स थ्योरम क्या कहती है, फंक्शन के दो जीरोज के बीच में उसके डेरिवेटिव का एटलीस्ट एक जीरो मिलेगा, प्रोवाइडेड फंक्शन इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन. और इसी टाइप से यहां डेरिवेटिव पे रोल्स थ्योरम लगाई, तो डेरिवेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशियबल है क्योंकि ट्वाइस डिफरेंशियबल दिया हुआ है. तो डेरिवेटिव के दो जीरो के बीच में डबल डेरिवेटिव का एटलीस्ट एक जीरो मिलेगा, तो मुझे एक डेल्टा मिल गया जो जीरो वन में है, जहां डबल डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा. ये आपका जो सी ऑप्शन है उसका प्रूफ है. ठीक है.